बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 15, दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू पेट्रोलियम। डियर स्टूडेंट्स, काइंडली ओपन पेज नंबर 89। एज वी डिस्कस दैट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एल्जी एंड प्लांट्स लिव्ड इन शैलो सीज। After dying and sinking to the sea floor, the organic material mixed with other sediments and was buried. Over millions of years, under high pressure and high temperature, the remains of these organisms transformed into what we know today as fossil fuels, that is coal and petroleum. How can we convert coal to petroleum? There are two processes. The first process, that is called coal gasification, the conversion of coal into gas, is called coal gasification. And this conversion was done in the presence of heat but in the absence of air. इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो कोल है उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब करते हैं तो हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं कोल गैस, टाउन गैस जिसे हम कहते हैं। वो जो कोल गैस है वो हमारे पास, उसका फार्मूला हमने देखा था, वो था CO+H2, कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वो जो प्रोसेस था ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कि हमारे पास आप कोल को कन्वर्ट करते हैं कोल गैस में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। इधर आपके पास है कि कोल और वाटर जब मिक्स होते हैं तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट जो गैस एवोपरेट होती है या जो गैस बनती है वो हमारे पास कौन सी होती है, वाटर गैस और कोल गैस। नेक्स्ट प्रोसेस इज कोल लिक्विफैक्शन, conversion of coal into liquid hydrocarbons, liquid fuel, that is petroleum. Conversion of coal into petroleum, this process is called coal liquefaction. अब हमारे पास कैसे कोल गैस को हम कन्वर्ट करते हैं पेट्रोलियम में, या कोल को हम, कोल गैस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं पेट्रोलियम में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशर ट्रॉफ प्रोसेस। This process was developed in 1925 by two German chemists, Franz Fischer and Hans Tropsch. It is a collection of chemical reactions that converts coal gas into liquid hydrocarbons, mainly alkanes. जो reactants हैं इसमें वो क्या हैं? These are coal gas. Coal gas हमारे पास reactant है, मतलब जो first step हुआ वो coal gasification हुआ, coal से हमारे पास coal gas बन गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम पेट्रोलियम बना रहे हैं, तो पेट्रोलियम हमारे किससे बनाएंगे, कोल गैस से बनाएंगे। मींस हमारा रिएक्टेंट क्या हुआ, कोल गैस, और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन्स हैं एंड दीज आर मोस्टली अल्केन्स। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, दैट इज आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड रूथेनियम। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन इज़ 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 1 to several टन्स ऑफ एटमोसफियर। रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं। द एफ टी प्रोसेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, आइडियली हैविंग द फार्मूला CnH2n+2, 2n+1 H2+NCO। दिस इज वाटर गैस और कॉल्ड टाउन गैस, कोल गैस। इसको जब हम जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं निकल, प्लैटिनियम, और टेम्परेचर जो हम दे रहे हैं 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, द कन्वर्जन ऑफ CO टू अल्केन्स। जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, CO का बॉन्ड है, इसकी ब्रेकडाउन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास CC बॉन्ड में। जो अल्केन्स में CnH2n+2 में कार्बन का बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, कार्बन के साथ बन जाएगा। मतलब हमारे पास क्या है, इसको हम ऐसे कहेंगे द कन्वर्जन ऑफ CO टू अल्केन्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व्स हाइड्रोजिनोलिसिस ऑफ CO बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ CC बॉन्ड, मींस कार्बन कार्बन बॉन्ड। वेयर N इज टिपिकली 10 to 20, द प्रोडक्ट दस ऑब्टेन्ड आर पेट्रोलियम यूज्ड एज अ सिंथेटिक फ्यूल एंड एज सिंथेटिक ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। मेन हमारे पास ये जो प्रोसेस है FT प्रोसेस, ये हमारे पास फिशर ट्रॉफ प्रोसेस जो है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम सबसे पहले कोल गैस को लेते हैं, और कोल गैस हमारे पास कैसे बनती है, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास एक फोर्थ बाय प्रोडक्ट बना था कोल गैस। उस कोल गैस को, ये जो प्रोसेस था, इसको कोल गैसिफिकेशन कहते हैं।
जिससे हम पेट्रोलियम बनाते हैं वो कोल गैस लेते हैं, कोल गैस को कन्वर्ट करते हैं हम पेट्रोलियम में. कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको? हम कन्वर्ट करते हैं जब इसको हम हाई टेम्परेचर देते हैं, दैट इज़ 150 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड. मेटल कैटलिस्ट देते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजिनोलिसिस होती है. हाइड्रोजिनोलिसिस क्या होता है हमारे पास? कि कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की ब्रेकडाउन होती है और हमारे पास कार्बन और कार्बन के बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो अल्केन्स बनते हैं या हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं. ये जो बनता है हमारे पास क्या है? पेट्रोलियम है. स्ट्रेट चेन मतलब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, आपको पता है हमारे पास क्या होते हैं? पेट्रोलियम होते हैं. और पेट्रोलियम नाउ अ डेज अ मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल, सिंथेटिक फ्यूल, सिंथेटिक लुब्रिकेटिंग ऑयल. आगे पेट्रोलियम की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं. ये आप देख सकते हैं, एक स्केच है. इसमें आप देखें नेचुरल गैस या कोल बायोमास लिया जाता है, उस कोल की गैसिफिकेशन की जाती है फर्स्ट स्टेप में और हमारे पास बनता है सिन गैस, दैट इज़ कोल गैस. फिर उसकी फिशर ट्रॉश रिएक्टर से एफटी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास एफटी वैक्स बनती है. ये इंटरमीडिएट स्टेज है. उससे हमारे पास क्या बनते हैं? पेट्रोलियम बनते हैं. और पेट्रोलियम को फर्दर हम आगे डीजल और जेट्स वगैरह में यूज़ करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ आई है? होप सो आपको आई होगी.